जय श्री महाकाल हरिहर। तथास्तु अर्थात जैसा अस्तित्व में वस्तु है वैसे ही हो जाना हर मानव को। ये कथा नहीं है, ये तथा है। ठीक है, ये कोई कहानी नहीं है। जैसा अस्तित्व में क्रिया हो रही है वैसे ही घटित हो रहा है और वैसे ही बताए जा रहे हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसी ब्रह्मांड सृष्टि में क्रियाएं हो रही हैं वैसे ही मानो कि आंतरिक में घटित हो रहा है। तो ब्रह्मांड में जो क्रियाएं चलती रहती हैं, होती रहती हैं, वैसे हमारे आंतरिक में घटित होता रहता है। इसका नियम जानना है। तो मानो यथा स्वरूप में ही तथा अस्तित्व है, अर्थात जैसा स्वरूप है वैसा ही अस्तित्व है। पर मानव कथा रूप में ध्यान होगा तो वो मायावी कहानी में ध्यान होगा उसका। मानव का ध्यान कथा सुनने में, और कथा सुनोगे तो भटकते ही रह जाओगे जीवन भर। जीवन भर वहां कोई हाथ पैर नहीं है, वहां मानव के रूप में ही पकड़ लोगे बस। कहाँ है राम, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है सीता, कहाँ है शिव, कहाँ है पार्वती, रूप में ही पकड़ पाओगे आप, और कुछ पकड़ में नहीं आया। इसलिए अब तथा को सुनोगे, तथा को सुनोगे तो मानो एकाग्र होगा, केंद्रित होगा। जीवन भर एकाग्र होगा, केंद्रित होगा, और मानो में बल आएगा, मानो में स्थिरता आएगी। ठीक है, तो ये बात निश्चित है, यदि मानो कथा ही सुनता रहेगा तो वहां पे खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मानव के। इसलिए मानव टूट रहा है आज, इतनी कथा सुनने के बाद भी मानव क्यों टूट रहा है? दिल के अरमान टूट गए, गाने गाए जा रहा है, आंसू में बह गए, आदमी रोते ही रह गया, टूटते ही रह गया, चकनाचूर हो गया, दिल टूट गया मानव का, शरीर टूट गया है, हाथ पैर टूट रहे आदमी के, अर्थराइटिस हो रहा है। ठीक है, मन टूट गया, आत्मा टूट गई। बोलो क्या हुआ? ये विकास हुआ मानव का, कथा से विकास नहीं हुआ, बहुत विनाश हो गया। जो बताना था वो बताया नहीं, स्वरूप में, रूप में पकड़ा दिया, अब वहां पे ढूंढ रहा मानव।
अर्थ में पकड़ ही में नहीं आ रही बात। आकार में पकड़ा दिया मानव को, और यहां बात निराकार में पकड़नी है। तो यथा ही कथा में मानव की जागृति होगी, और वहीं पे अखंड मानव का जानकारी होगी, अध्ययन होगा, अभ्यास होगा, अनुभव होगा आत्मा का। अखंड, जब अखंड मतलब क्या होता है, जब वो परम से जुड़ जाता है, अब फिर परमात्मा में जुड़ जाता है, वो परमेश्वर में जुड़ जाता है, परम पिता में जुड़ जाता है। ठीक है, परम सत्य में जुड़ जाता है। तो यही तो होना है, स्वरूप की कोई बात ही नहीं हो रही है, रूप रूप की बात हो रही है, और ये होती बात तत्काल में। जितने भी यथा और तथा की बातें हैं वो तत्काल में हो रहा है, तो तत्काल में वर्तमान में बात हो रही है, तत्काल की बात होगी, और तत्काल ही महाकाल है। महाकाल कोई रूप में नहीं है, वो स्वरूप में ही है, पत्थर में मत समझ लेना। ठीक है, तो इसलिए हर मानव जाति को आज कथा सुनाई जा रही है, काहे की भूतकाल और भविष्यकाल की। आपका भूतकाल कैसा था और कैसा होगा आपका भविष्य, हर चौपाई में, हर ग्रंथ में, उपनिषद में, वेद में, रामचरितमानस में खंड खंड कर दिया गया है। अखंड तो हुआ ही नहीं, तो अखंड होना पड़ेगा मानव को। अब अखंड कहां से होगा, वो सामान्य ज्ञान नहीं रटना है। सामान्य ज्ञान रट डाला मानव ने, जो मनगढ़ंत चीजें चलती गई, कथा में मनगढ़ंत चीजें चलती हैं, जिसको जहां घुमाना है घुमाया, इसलिए भटकता रह गया मानव। सब अलग अलग उल्लेख, नए नए टाइप की पुराने आ रही हैं, अलग अलग टाइप से मानव को दिखाया जा रहा है और अनेक बनाए जा रहा है। कथा से मानव सिर्फ अनेक बना है और अलग हुआ है और टूटा है। ठीक है, जुड़ा तो नहीं मानो, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, स्वयं से ही नहीं जुड़ा तो दूसरे कहां से जुड़ेगा, स्वयं से जुड़ा ही नहीं है। स्वयं से ही अलग हो गया, हर मानव से अलग हो गया है, और ये धर्म बोलते हैं, पूरा धर्म हो चुका है। धर्म का अर्थ है जुड़ना, योग होना, एक होना, समतत्व आना। ठीक है, पर वो आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये पूरी क्लैरिटी आ जाए हर मानव जाति में कि अब कथा से कुछ नहीं होने वाला, अब तथा में होगा कार्यक्रम। तथास्तु होना है तो तथा को सुनना होगा, तथा को समझना होगा, तथा में अध्ययन होना होगा, तत्काल में अध्ययन होगा तत्व ज्ञान का,
कार्यक्रम होगा, तभी मानव आंतरिक स्वरूप में एक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए तथा में कार्यक्रम हो, जैसा हो रहा है आंतरिक स्वरूप में अस्तित्व में वैसे ही होना, तो मानो यूनिवर्सल एक हो सकता है, नहीं तो अपने मैनुअल लॉ बना डाले और अपने पर्सनल लॉ बना डाले मानो ने, तो पर्सनल लॉ नहीं चलने वाला। अब यूनिवर्सल ये लॉ पे बात हो रही है, तथा जो है यूनिवर्सल है, कथा जो है पर्सनल है। ठीक है ना, अपने लोगों ने बहुत बहुत कहानी बनाई, पर्सनल कहानियां बनाई, पर्सनल लॉ पे अलग अलग कहानी बना डाली। ठीक है, राम जी ऐसे नहीं, राम जी वैसे गए थे। ठीक है, अनेक उल्लेख हो गए, खंड खंड हो गए, तो इसलिए खंड खंड नहीं होना है, अखंड होना है और अखंड परिवार होना है। ठीक है, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ तथा से। इसलिए लगातार निरंतर तथा सुनते रहें, समझते रहें, जीते रहें और समझाते रहें। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।